एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फाइनली 2 महीने बाद आज व्लॉग शूट, 2 महीने बाद नहीं, मतलब आज मेरे को 2 महीने हो चुके हैं। 23 तारीख आज तो 2 महीने हो चुके हैं मेरे को कम्प्लीटली। तो भाई व्लॉगिंग का ये सीन चल रहा था कि जैसे ही मैं यहाँ आया, कुछ टाइम मैंने व्लॉग शूट करे थे और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा दोस्त चला गया था जिसके पास मैं रुका हुआ हूँ, तो वो चला गया था। तो ना मैं यहाँ किसी को जानता था, ना मैं किसी को, मतलब मेरे को आइडिया नहीं था यहाँ पे चीज़ों का। तो ना मैं कहीं बाहर जा रहा था इतना, तो मैं अपना सिर्फ यूनी, और यूनी का मैं आपको दिखा चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई यूनी फिर से क्यों दिखानी है बार बार हर ब्लॉग में यूनी, फिर आप भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैं शूट नहीं कर रहा था। जो स्टार्टिंग की एडजस्टमेंट थी वो कर ली। अभी मैंने सोचा है कि चल ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ अपनी स्टडीज़ से, हर चीज़ से फ्री हूँ सही बताऊँ, क्योंकि वर्क भी हो गया, गाड़ी भी मैंने ले ली है। गाड़ी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा मैंने कैसे कैसे गाड़ी ली थी, मतलब मैंने शूट नहीं करा था गाड़ी लेते वक्त, बट हाँ आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में कैसे मैंने गाड़ी ली और क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स हुई थी मुझे, सब चीज़ें बताऊंगा मैं। भाई अभी निकल के आ गए मैं घर से, तो अभी जो पीछे वाली रोड है उस पर हमारा घर है, और ये सामने देख लो, ये सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो मतलब घर के पास ही है जो हमारा एरिया है जहाँ मैं रह रूँ, काफ़ी मतलब पॉश एरिया माना जाता है ये, वैसे सबब के हिसाब से काफ़ी अच्छा एरिया, क्योंकि जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो विद इन 1 किलोमीटर और इन 500 मीटर्स है बस, तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। पास में पैदल, मतलब बाय वॉकिंग डिस्टेंस यू कैन ईजली एक्सेस द फैसिलिटीज़ ओवर हियर। ये अब आप ये ना ये सोच रहे होगी कि ट्रॉली यहाँ क्यों खड़ी है, ये ट्रॉली उस मॉल की है। तो ट्रॉली इसलिए खड़ी है यहाँ पर क्योंकि मॉल से जब आप कुछ भी सामान लेते हो तो आप उसको अपने घर तक ना ट्रॉली को लेके जा सकते हो, ईजिली यू कैन कैरी ट्रॉली टू योर होम। फिर जो बाद में ये लोग अपने आप ही उसको पिकअप करने आ जाते हैं। तो अभी यहाँ से ये मॉल है और यहाँ पे सामने है जहाँ पे मेरे को कटिंग करवानी है। बच्चे घूम रहे हैं, स्कूल के बच्चे। तो भाई ये शॉप है अभी तो मेरे हिसाब से यार बंद है। भाई देख रहे हो किस्मत ही खराब है, लास्ट टाइम आया तो जब भीड़ थी और अभी मंडे को 1 बजे से खुलेगी। मौसम तो भाई यहाँ पे साफ ही रहता है और हवा पूरे 24 घंटे चलती है, और बिल्कुल भाई ठंडी हवा चलती है। गर्म हवा मैंने 2 महीनों में 1 दिन भी नहीं देखी है, बिल्कुल ठंडी हवा चलती है। तो गर्मी है नहीं यहाँ पे, और सही बताओ ना स्वेटिंग ही नहीं है, चाहे कितनी धूप पड़ती हो स्वेटिंग है ही नहीं, क्योंकि हवा कंटिन्यूस चलती है कंटिन्यू। तो अभी भाई दुकान बंद है, 1 बजे खुलेगी, तो तब तक अपना जाके देखते हैं, कुछ खाना वाना देख लेते हैं, उसके बाद आऊँगा मैं। आज कटिंग पक्की करानी है मैंने। अभी जब मैं पहले आया था तो शॉप बंद थी, तो अभी मैं फिर से आया हूँ, देखता हूँ जाके, अब शायद खुल गई होगी क्योंकि अब भारी मछली है इनको मतलब मेंटेन करना नहीं हो पा रहे मेंटेन। पूछते भाई से कैसी कटिंग, हाउ आई एम लुकिंग, मस्त लग रहे हो, मस्त लग रहे हो। तो भाई कटिंग हो चुकी है फर्स्ट टाइम में, तो ठीक है भाई ने करिए, आगे से फिर और भाई को ऐड आइडिया हो जाएगा। तो अभी चल दो मैं घर से पेमेंट करके नहाते हैं। तो भाई कटिंग करवा के घर तो आ चुका हूँ, अभी मतलब फर्स्ट टाइम हुई है यहाँ पे यार, इतने अच्छे से नहीं करी, कोई नहीं आगे आगे जैसे आदत हो जाएगी। तो अभी बियर्ड नहीं करवाई मैंने क्योंकि मेरे पास ट्रिमर है, तो मैं खुद कर लूँगा बियर्ड दो। और भाई $30 लिया है इसके, $30 की कटिंग हुई है, ट्रिमर खुद कर लेंगे, क्या करेगी मैं, कर ले तो ये भी। फिर उसके बाद अभी कुरियर वाला भी आने वाला है यार, वो भी देखना है खोल के, अनबॉक्सिंग दिखाएंगे आपको। हाँ भाई अब सही लग रहा है ना, ठीक है यार, फर्स्ट टाइम करवाई थी तो ठीक है। बाकी बियर्ड मैंने देख लो कर लिया, खुद से ही करिया, ठीक है। तो बताओ फिर
कट मतलब बाल बड़े ही रखूँ या फिर ऐसे ही छोटे रखूँ, क्योंकि यहाँ कटिंग वो इंडिया वाली भाई नहीं मिल सकती। मैं सही बताऊँ, इंडिया वाली कटिंग नहीं मिल सकती। इंडिया में तो भाई एक चीज़ अच्छे से सेट हो जाती थी, यहाँ पे नहीं हो सकती। तो नहा के अब रेडी बिल्कुल, अब भी मेरे यहाँ बज गए कम से कम 2 बज रहे हैं, तो भाई जाके अभी अपना खाना वाना होगा, फिर उसके बाद मैं बैठूँगा पढ़ने, क्योंकि आपको पता पेपर तो आ ही रहा है। पढ़ने के बाद फिर शाम को देखते हैं, कुछ प्लान होगा तो फिर देखते रहिए ब्लॉग को। तो भाई ये पार्सल मंगवाया है, अब इसको आपके सामने अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके देख के खुश हो जाएंगे आप भी। हाँ हाँ, अभी तो आइटम दिखेगा जो वो भी तगड़ा ही है ना, पैकिंग के साथ साथ। ओए होए ओए होए ओए होए, देखो देखो महंगी बात चीन। ये बाद में देखते लेटर्स वगैरह, पहले ये देखते हैं। ये देखते पहले पैकिंग पे पैकिंग पैकिंग पे पैकिंग। तो ये अभी अपनी बेल्ट कितने डॉलर की होगी? ये 750 गोल्ड है आगे। लेटर तुम्हें नहीं दिखाएंगे, पर्सनल लव लेटर भेजा गुची वालों ने हमें, कह रहे हम आपके बहुत बड़े फैन हैं तवर ब्लॉग्स के। ये बेल्ट मंगाई थी भाई हमने, अभी हमारी बेल्ट 3-4 दिन में आई है, मोटा खर्चा होगा। अब यूट्यूब तो जो पैसा आ रहा है यही में खर्च होएगा हमारा। तो भाई अभी आ चुके हैं हम खाना वाना खा के, कुल्फी खाने आए हैं हम यहाँ पे, इसमें सैफ्रॉन प्लम। ये जा रहा है आगे दोस्त अपना। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same.